हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोमा और मैं अपनी इस वीडियो में अपने बालों को स्ट्रेट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नोवा का ये स्ट्रेटनर लूँगी एंड उसे प्लग इन कर दिया है मैंने। ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे यूज़ करूँगी। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल्स दिए हुए हैं, मैं इसका टेम्परेचर सेट कर रही हूँ एंड देन मैं इसे हीट होने के बाद यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं अपने बालों को दो भागों में डिवाइड करूँगी एंड देन मैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। एंड देन इसे अच्छे से पूरे बालों में स्प्रे कर दूँगी ताकि ये हीट से मेरे बालों को प्रोटेक्ट करें। एंड पूरे बालों में इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड देन मैं अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शन लूँगी और बाकी बचे हुए बालों को ऊपर की ओर नेचर की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। एंड देन मैं उस कॉम्ब की हेल्प से मैं अपने बालों के सारे टैंगल्स रिमूव कर दूंगी एंड देन अपने बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लूंगी। कॉम्ब की हेल्प से मैं अपने बालों को स्ट्रेट करूँगी स्ट्रेटनर की हेल्प से, धीरे धीरे करके मैं इसे नीचे की ओर प्रेस करूँगी जिससे कि ये अच्छी तरह से स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सारे बालों को मैं ऐसे ही स्ट्रेट आप देख सकते हो ये अच्छे से स्ट्रेट हो गया है। सो मैं अपने ऊपर के बचे हुए बालों को भी छोटे छोटे सेक्शन करूँगी और उसे भी स्ट्रेट करूँगी।
आप देख सकते हो मेरे दोनों साइड के बालों में अंतर, एक साइड स्ट्रेट किए हुए हैं और एक साइड बिना स्ट्रेट किए हुए हैं। इसी तरह मैं अपने दोनों साइड के बालों को स्ट्रेट कर दूँ। दूसरी साइड के बारे में भी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगा रही हूँ ताकि ये मेरे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करे। एंड देन मैं वैसे ही थोड़े थोड़े बाल ले करके उसे भी स्ट्रेट करूँगी। आप रिजल्ट्स देख सकते हो, मेरे दोनों साइड के बाल स्ट्रेट हो चुके हैं और ये पहले से बेटर लग रहे हैं। सारे बाल पीछे करके भी आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ये बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। Thank you.